एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की निगाहें इसराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के युद्ध पर टिकी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इसराइल पहुंचे। बाइडेन के इस दौरे में क्या खास रहा, उन्होंने इसराइल और गाजा के आम लोगों को लेकर क्या कहा, बताएंगे हर बड़ी बात। दरअसल बाइडेन इसराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हालिया हमले के बाद इसराइल के प्रति समर्थन जताने के लिए वहां पहुंचे। बाइडेन ने इसराइल पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं यहां बहुत सामान्य वजह से आया हूं। मैं चाहता हूं कि इसराइल और दुनिया के लोग जाने कि अमेरिका का रुख क्या है। बाइडेन ने कहा कि हमास ने अमेरिकियों समेत बहुत से लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा, हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और उसने केवल उन्हें दुख पहुंचाया है। उन्होंने इसराइल के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इसराइल को अपनी रक्षा के लिए जो चाहिए वो उसके पास हो। बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन की राशि देने का भी ऐलान किया, जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। इसके अलावा बाइडेन ने कहा कि इसराइल ने इजिप्ट से गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने पर सहमति जता दी है, लेकिन ये शर्त के साथ किया जाएगा कि मदद आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमास के चरमपंथियों के पास नहीं। इसराइल ने कहा है कि वो बाइडेन की रिक्वेस्ट पर तय शर्त के साथ इजिप्ट से गाजा में मानवीय सहायता नहीं रोकेगा। हालांकि इसराइल ने ये भी कहा कि जब तक उसके लोग जिन्हें गाजा में बंधक बनाया गया है वो वापस नहीं आ जाते, इसराइल से गाजा में मानवीय सहायता पर रोक जारी रहेगी। इस बारे में बाइडेन ने कहा, मैं साफ कर दूं कि अगर हमास इस सहायता का रास्ता बदलता है या इसे चुराता है तो वे एक बार फिर दर्शाएंगे कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों के कल्याण की कोई फिक्र नहीं है। वहीं बाइडेन ने गाजा के एक अस्पताल पर हमले को लेकर कहा कि उन्होंने जो देखा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये हमला किसी दूसरी टीम ने किया, ना कि इसराइल ने। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। गाजा प्रशासन ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया है। वहीं इसराइल ने खुफिया जानकारी का हवाला देकर कहा है कि इस हमले के लिए इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन जिम्मेदार है। अस्पताल पर हुए इस हमले से मुस्लिम देशों में इसराइल के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। कई जगह से इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। बाइडेन ने इसराइल से वापस जाते वक्त कहा, इसराइल काफी पीड़ित रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे लोगों के कष्टों को दूर करने का मौका मिले तो उसे उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर इसराइल ऐसा नहीं करता तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जो अनुचित हो सकता है।